बात करते हैं जेनेटिक्स, सम बेसिक फंडामेंटल्स, ठीक है। जेनेटिक्स के बारे में आज हम कुछ बात करेंगे कि जेनेटिक्स होती क्या है, ठीक है। बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को हम डिस्कस करेंगे, ओके। जैसे देखिए, डेफिनेशन की सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जेनेटिक्स होती क्या है। प्रीवियसली आई हैव टोल्ड यू अबाउट द जीन्स, तो नाम से ही पता चल रहा है कि जेनेटिक्स में कोई जीन्स की बात होगी, ठीक है। देखिए, जेनेटिक्स का कंसेप्ट आया कहाँ से, थोड़ा सा बेसिक अगर जान लें तो आप अक्सर देखते हैं क्या होता है कि जो फैमिली होती है, फैमिली में हमेशा क्या होता है कि जो न्यू इंडिविजुअल होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसके फीचर्स हमेशा घर वालों से मिलते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए, नाक पापा की तरह है, आंखें मम्मा की तरह हैं, हाइट उसकी नाना पे गई है, ठीक है, फेस का कलर, स्किन कलर जो भी है वो दादी पे गया होता है, सपोज कीजिए, ओके। तो ये बहुत सारी फीचर्स होते हैं, जब भी न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है सब बोलते हैं अरे ये इस पे गया है, ये इस पे गया है, ओके। सो ऐसा क्यों होता है, हम ऐसे सबके फीचर्स क्यों ऐडअप होते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन फीचर्स को ऐडअप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जो हमारे फीचर्स होते हैं वो दूसरों के साथ मिलते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलते हैं, कहने का मतलब है। सो वाई सो, ऐसा क्यों होता है। सो देखिए, इसका मेन फंडा बेसिक है जेनेटिक्स, जीन्स ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू डैट होता क्या है, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, ठीक है ना, माता पिता से बच्चों में जीन्स जाते हैं। अब देखिए, माता पिता में भी किसके जीन्स हैं, उनके माता पिता के हैं, तो इसीलिए हमारे अंदर या कोई भी न्यू बॉर्न होता है उसके अंदर पेरेंट्स के साथ साथ ग्रैंड पेरेंट्स का भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, चाहे वो दादा दादी लीजिए, चाहे वो नाना नानी लीजिए, ओके। डैट वॉज जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन। बात करते हैं जेनेटिक्स की डेफिनेशन, तो कंसेप्ट हमेशा जीन्स से रिलेटेड है, नाम से ही पता चल रहा है। I have told you that gene is the unit of inheritance. Inheritance का मतलब क्या होता है, transfer of characters from parents to offspring. तो genetics की definition भी कुछ genes की definition पर ही based है. So what is the definition? It is the study of transmission of body features. ठीक है, क्या transfer करने का, body features transfer करने का, ठीक है। कैसी, कैसे body feature, या तो सिमिलैरिटीज या तो डिफरेंसेस, है ना। अभी मैंने आपको कहा जैसे इसकी नाक इससे मिलती है, या हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि कई बार बच्चे का स्किन कलर जो है वो कुछ अजीब सा होता है, मतलब कुछ अलग होगा। सपोज कीजिए माँ बाप दोनों ही सांवले से कॉम्प्लेक्शन के हैं, लेकिन बच्चा बहुत गोरा है, तो वो डिफरेंसेस हो गए, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। और सिमिलैरिटीज मीन्स सपोज कीजिए फेस जो है वो पापा की तरह है, ठीक है, बाल मम्मा की तरह है, तो ये सारी सिमिलैरिटीज हैं। फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, की जो बॉडी फीचर्स हैं वो किससे ट्रांसफर हो रहे हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, माता पिता से बच्चों में जाते हैं। एंड द लॉज रिलेटिंग टू सच ट्रांसमिशन, ठीक है। तो मीन्स जेनेटिक्स क्या होती है कि बॉडी फीचर्स जो ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, और ये जो ट्रांसफर हो रहा है इसके रिगार्डिंग कुछ लॉज हम पढ़ते हैं। तो जो ब्रांच बायोलॉजी की इन सब चीजों से डील करती है, दैट इज जेनेटिक्स, ओके। नेक्स्ट इज फादर ऑफ जेनेटिक्स। सो क्वेश्चन अराइज करता है कि आखिर ये जेनेटिक्स आई कहां से, किसने इसका कॉन्सेप्ट दिया। सो इट्स कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय ग्रीगर जॉन मेंडल। आपको याद ना रहे तो सिंपली यू कैन से मेंडल, मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने पी प्लांट, मटर, ठीक है, मटर पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो थोड़ा सा अगर इनके बारे में जान लें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। जो मेंडल थे बेसिकली ये क्या होते, देखिए अगर मेंडल की बात करें तो मेंडल एक साइंटिस्ट थे, लेकिन इनका टीचर बनने का शौक था, ठीक है। ये एक मोनेस्ट्री में रहा करते थे, ओके। अब जो मेंडल जी हैं वो टीचिंग नहीं कर पाए, इनको सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, ठीक है, ये पढ़ने के लिए बाहर आ गए थे मोनेस्ट्री छोड़कर। तो जब सर्टिफिकेट नहीं मिला तो मेंडल के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर उन्होंने कैसे पी प्लांट में एक्सपेरिमेंट किए, कैसे उन्होंने ये लॉज को डिस्कवर किया फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जेनेटिक्स के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, ठीक है। देयर आर बेसिकली टू मॉडर्न एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है।
एज यू कैन सी, फर्स्ट एप्लीकेशन इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सेकेंड एप्लीकेशन इज जेनेटिक काउंसलिंग. ये दो तरह के एप्लीकेशंस है. एप्लीकेशंस मीन्स आप जेनेटिक्स को कहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, कहाँ पर इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे स्तर पर किया जा सकता है. तो देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस ऑल्टर्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू जीन्स इनटू क्रोमोसोम्स. कहने का मतलब क्या है, सपोज कीजिए क्रोमोसोम होता है, ठीक है, हमें पता है कि सपोज लेट्स कि ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, इसमें सेंट्रोमेयर होता है, आपको पता है. अब मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम में ही यहाँ पर क्या होते हैं, अलग अलग तरह के जीन्स होते हैं, ऐसे प्रेजेंट होते हैं. ओके, दिस इज जस्ट एन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. ओके, इस तरह से जीन्स प्रेजेंट होते हैं. अब कई बार क्या होता है कि जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, सपोज कीजिए मैंने यहाँ से एक जीन निकाला और किसी दूसरे में वो ट्रांसफर कर दिया, किसी दूसरे क्रोमोसोम में वो ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, मींस यहाँ से किसी अनदर क्रोमोसोम में आई ट्रांसफर इट. सो उसको हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग. यूजुअली ऐसा बैक्टीरिया में किया जाता है, ठीक है, मैमल्स, मतलब जैसे बैक्टीरिया का जीन हमारे अंदर डाल दिया जाए या हमारा जीन बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया जाए, ठीक है, इस तरह से होता है. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का कंसेप्ट यूज करके सबसे पहली बार जो प्रोडक्ट बनाया गया, डेट वॉज इंसुलिन. नाम आपने सुना होगा. ओके, इंसुलिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हॉर्मोन. अगर इंसुलिन ना हो तो क्या हो जाता है, डायबिटीज, शुगर हो जाती है, ठीक है, डेट इज़ अ बिग कंसेप्ट. ओके, इंसुलिन वॉज सच फर्स्ट प्रोडक्ट. तो सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल इंसुलिन में किया गया. ओके, नेक्स्ट इज जेनेटिक काउंसलिंग. सेकेंड यूजेज जो है इसका, डेट इज जेनेटिक काउंसलिंग. कहाँ यूज होता है, इट इज रिलेटेड टू अनडिजायरेबल ट्रेट, ठीक है. इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, अनडिजायरेबल ट्रेट के केस में यूज होता है. कहने का मतलब है, ट्रेट का मतलब है कैरेक्टर, ठीक है, जो जीन्स अपना कैरेक्टर शो करते हैं, डैट इज ट्रेट. ओके, वी विल डिस्कस अबाउट इट इन डिटेल. अनडिजायरेबल ट्रेट से ये कैसे, जेनेटिक काउंसिल करना क्या होता है, कि किसी के बारे में पता चलाना, आप काउंसिल कर रहे हो, आप उसको गाइड करोगे, यही होता है ना काउंसलिंग, कि किसी की काउंसलिंग करो, सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, टू करेक्ट समबडी एल्स. ओके, दैट इज काउंसलिंग. तो होता क्या है, सपोज कीजिए कोई न्यूली मैरिड कपल है, ठीक है, और अगर फ्यूचर में तो ऑब्वियसली उन्होंने बेबी बर्थ करना ही है, तो उन्हें एडवाइस किया जाता है कि आप अपने जीन्स का टेस्टिंग एक बार करा लें, ठीक है. उससे क्या होगा कि सपोज कीजिए अगर कोई भी संभावना है किसी बीमारी के होने की, तो अगर पहले चेकअप कराया होगा तो उससे पहले पता लग जाएगा कि ये डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है. और वो कुछ एग्जाम्पल जो है, मींस दैट मींस अनडिजायरेबल ट्रेट, कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अनडिजायरेबल ट्रेट को आने ही नहीं दे रहे हैं, इससे पहले कि वो बच्चे में ट्रांसफर हो, हम उसको पहले से ही फाइंड आउट करके उसको क्योर कर लेंगे. इसलिए जेनेटिक काउंसलिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है. इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कौन कौन से डिजीजेज में आप इसको यूज कर सकते हो, लाइक हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर हैं बेसिकली, ठीक है, ब्लड से रिलेटेड है, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है. वी विल डिस्कस अबाउट इन इन डिटेल. ओके, सो ये थी कुछ इसकी एप्लीकेशंस. ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट इज हेरिडिटी. हेरिडिटी की अगर हम बात करें तो हेरिडिटी या इनहेरिटेंस एक ही चीज है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इनहेरिटेंस क्या होता है. देखिए, इनहेरिटेंस और हेरिडिटी एक ही मीनिंग होता है दोनों का, एक ही चीज है दोनों, मींस ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है. इट इज अ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. ऐसे कैरेक्टर जो जीन्स पे डिपेंडेंट हैं, जीन्स से ट्रांसफर हो रहे हैं, उनका ट्रांसफर होना पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, दैट इज इनहेरिटेंस और हेरिडिटी, ठीक है. देखिए, ऐसा तो है नहीं कि इस चीज के बारे में आज ही पता चला कि ऐसा होता था, नहीं, इट्स नॉट अ न्यू डिस्कवरी, ऐसा नहीं है. हमारे पूर्वज भी इन सब चीजों के बारे में जानते थे, ऑब्वियसली उन्होंने भी तो ऑब्जर्व किया होगा कि माँ बाप की शक्ल और बच्चों की शक्ल मेल खाती है, सेम सेम है, ऐसा तो है नहीं. पुराने समय से एवरीबडी नोज कि कहीं ना कहीं ये इसका बेटा है, इसकी शक्ल इससे मिलती है फैमिली मेंबर्स में, ठीक है. तो एक पुराना कंसेप्ट था, लेकिन इसके बिहाइंड रीजंस क्या है, द रीजंस एंड लॉजिक इज जीन्स, तो ये लोगों को पता नहीं था. इसका आइडिया टाइम के साथ साथ जैसे मॉडर्नाइजेशन हुई, जेनेटिक्स की डिस्कवरी हुई, मेंडल जी ने इस पर काम किया, तब हमें इसके बारे में नॉलेज गेन हुआ. ओके, सो इसी से हेरिडिटी से हमने एक बात सीखी, क्या, कि आखिर ये परिवार वालों की शक्ल आपस में क्या होता है, मिलती जुलती होती है, तो ऐसा क्यों होता है.
क्योंकि लाइक बिगेट्स लाइक, इसी से स्टेटमेंट निकली कि जो जिसका है वो वैसा ही होगा, ठीक है ना। सपोज माय फेस, मेरा फेस है तो वो मेरे मम्मी पापा के साथ मिलता होगा, मेरे फीचर्स हैं मेरे मम्मी पापा के साथ या मेरे दादा दादी नाना नानी के साथ मिलते होंगे, एंड मेरी तरह ही आपके भी आपके फैमिली मेंबर्स के साथ फीचर्स मिलेंगे। सो दैट स्टेटमेंट, इसका मतलब लाइक बिगेट्स लाइक। ओके, सो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर ऐसा ही है कि सब कुछ सेम सेम ही होना है, मम्मी के फीचर पापा के भी, तो शक्लें बिल्कुल आइडेंटिकल, हर चीज हमारी बिल्कुल 100% उनकी तरह सेम क्यों नहीं होती है, ठीक है ना। कुछ ना कुछ हमारे डिफरेंसेस होते हैं ना उनसे, ऐसा तो है नहीं वी आर 100% मीन्स 50% मम्मा के जैसे हो गए, 50% पापा के जैसे हो गए, इट्स नॉट लाइक दैट। व्हाई सो, ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी में एक नेचुरल अडेप्टेशन, हमारी बॉडी में का एक नेचुरल फीचर है, दैट इज वेरिएशंस। क्या आती है हमारी बॉडी में? वेरिएशंस। वेरिएशन क्या होता है? अलग होना, है ना। वेरिएशन मीन्स डिफरेंसेस। सो दीज आर द स्मॉल डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल्स, कि कुछ माइनर लेवल पे डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। होता क्या है कि 99.9% जो आपका वो होता है ना, 99.99% जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन सेम होता है जीन्स का, ठीक है। डिफर कहाँ करता है? 0.1% जो है ना उसमें ही फर्क होता है, बाकी लगभग फैमिली मेंबर में सेम होगा, मम्मी पापा और बच्चों का, ठीक है। तो उस 0.1% के फर्क से ही क्या होता है? वेरिएशंस। आपको चेहरे अलग अलग दिखते हैं, माँ बाप का चेहरा अलग होता है बच्चे से, लेकिन रिजेम्बलेंस होती है, 100% आइडेंटिकल कोई नहीं नजर आएगा, ठीक है। सो अब एक बात आती है, एक वर्ड यूज करते हैं ट्रेट, एक वर्ड यूज करते हैं कैरेक्टर। क्या होते हैं ये? देखिए, कैरेक्टर का मतलब होता है इनहेरिटेबल फीचर। कैरेक्टर तो वैसे बहुत सारे मीनिंग है कैरेक्टर के नॉर्मली देखा जाए, लेकिन जेनेटिक्स की लैंग्वेज में अगर आपको देखना है तो कैरेक्टर का मीनिंग होता है इनहेरिटेबल फीचर, ऐसा फीचर जो ट्रांसफर हो सकता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। नेक्स्ट इज ट्रेट। ट्रेट की बात करें, दैट इज ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ, ओके, ये क्या होता है? ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर। इसी कैरेक्टर के ऑल्टरनेटिव फॉर्म को हम बोलते हैं ट्रेट। ऑल्टरनेटिव का मतलब अलग अलग तरह के फॉर्म। जैसे सपोज कीजिए, ट्रेट की बात कर रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए हेयर्स, हेयर्स का कलर, कलर कैसा हो सकता है? आइदर ब्लैक ब्राउनिश, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ऑल्टरनेट मीन्स अलग अलग, ठीक है। दो अलग अलग करेक्टर है, या तो ब्लैक है या तो ब्राउन है, ठीक है। तो वो हो गया, है ना, मीन्स करेक्टर के ही दो तीन टाइप हो गए, वैसे हेयर का ही हो गया, ठीक है। अब हेयर में एक फीचर है ग्रोथ नो ग्रोथ, किसी के बाल बहुत लंबे होते हैं, किसी की ग्रोथ ही नहीं होती है, ठीक है। और सपोज कीजिए स्किन कलर, फेयर डार्क, ठीक है। और भी बहुत सारे फीचर्स, हाइट, शॉर्ट हाइट, टॉल हाइट, ठीक है। इस तरह से ही बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो सर ऑल्टरनेट करेक्टर होते हैं जिनके, है ना, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात, ठीक है। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? ये होते हैं ट्रेट। तो यही सब यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जीन्स क्या हैं, ये सारी चीजें क्या हैं। ओके,